हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप देख रहे हैं समीर जसूजा प्रॉप एक्विटी और मैं हूं समीर, आपका रियल एस्टेट फ्रेंड, रियल एस्टेट फिलोसोफर और रियल एस्टेट गाइड। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है अश्योर्ड रिटर्न्स इन कमर्शियल रियल एस्टेट। एक बहुत फेमस कहावत है कि लाइफ में दो ही चीज़ें अश्योर्ड होती हैं, डेथ एंड टैक्सेस। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स में अश्योर्ड रिटर्न्स होती हैं, पर अगर आप फाइन प्रिंट पढ़ें तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी अश्योर्ड नहीं होती हैं। अगर आप कोई भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें, चाहे वो स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, करेंसी हो और गोल्ड हो, जब ये वर्ड अश्योर्ड उनमें आ जाए और कोई भी आपको उनमें अश्योर्ड रिटर्न्स ऑफर करे, तो आपको ये ज़रूर लगना चाहिए कि दाल में बहुत कुछ काला है और आपकी आईब्रोज पक्का वहां पे रेज हो जाने चाहिए। आज के वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे अश्योर्ड रिटर्न प्रोडक्ट स्लैश प्रोजेक्ट्स के बारे में, स्टार्टिंग विद अश्योर्ड रिटर्न्स होती क्या है, ये प्रोजेक्ट्स किस टाइप के कस्टमर्स को टारगेट की जाती हैं, क्या रिटर्न्स इन्वेस्टर्स या कस्टमर्स अश्योर्ड रिटर्न प्रोजेक्ट्स में एक्सपेक्ट करते हैं, डेवलपर्स के कितने पैसे बनते हैं अश्योर्ड रिटर्न प्रोजेक्ट्स बेच के, अश्योर्ड रिटर्न प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट्स में फ्लॉज क्या हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अश्योर्ड रिटर्न प्रोजेक्ट्स में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या ये एक पोंजी स्कीम या स्कैम है, कितने हजारों लोगों की क्या सफरिंग हुई है ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके, आज की डेट में कोई क्या बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं इससे जो सेफ रिटर्न्स भी दें और कैपिटल अप्रिसिएशन भी दें, एंड लास्टली अगर आपको फिर भी अश्योर्ड रिटर्न प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है तो वो सारे पॉइंट्स मैं डिटेल में बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखने चाहिए उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले और डेवलपर के साथ डील करने से पहले। चलिए अब समझते हैं अश्योर्ड रिटर्न्स होती क्या हैं। डेवलपर जब अश्योर्ड रिटर्न प्रोजेक्ट मार्केट में लेके आता है तो वो टिपिकली 3-4% एक्स्ट्रा ऑफर करता है जो आज की डेट में फिक्स डिपॉजिट रेट्स चल रहे होते हैं। तो जैसे आज की डेट में फिक्स डिपॉजिट रेट्स हैं 7-8%, तो वो टिपिकली डेवलपर 10-11% की अश्योर्ड रिटर्न्स ऑफर करता है। जब तक प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन होती है वो आपके साथ अग्रीमेंट करता है कि मंथली आपको वो 10-11% आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देगा, और जब प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगी तो वो आपको एक टेनेंट लाके देगा जो आपकी प्रॉपर्टी को 3-9 साल तक लीज करेगा और हर 3 साल बाद 15% इंक्रीमेंट देगा। और यही नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी आपको रेगुलर रिटर्न्स भी देगी और कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रिशिएट भी करेगी। चलिए अब एक डिटेल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इन्वेस्टर्स क्यों इतना ज़्यादा टेम्प्ट हो जाते हैं अश्योर्ड रिटर्न प्रोजेक्ट्स को खरीदने में, और टिपिकली इन अश्योर्ड रिटर्न प्रोजेक्ट्स को इन्वेस्टर्स फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करते हैं, क्योंकि सब इन्वेस्टर्स को यही लगता है कि सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट्स ही अश्योर्ड रिटर्न्स देते हैं और इसलिए उनको इन प्रोजेक्ट से कंपेयर किया जाता है। तो टिपिकली अगर आप 1 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं आज की डेट में, तो आपको अगर 7.2% रिटर्न मिलती है तो रफली आपको 60,000 रुपीज अ मंथ रेगुलर मंथली रिटर्न मिलेगी, और उस पर अगर आप 30% टैक्स रेट लगाते हैं तो आपको मंथली उस पर 43,000 अ मंथ अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा। अगर यही 1 करोड़ आप एक अश्योर्ड रिटर्न कमर्शियल प्रोजेक्ट में लगाते हैं तो डेवलपर आपको 11% अश्योर्ड रिटर्न ऑफर करता है जो मंथली 92,000 रुपीज जाके बैठती है, और अश्योर्ड रेंटल पे टैक्स 20% लगता है क्योंकि रेंटल पे 20% टैक्स है, तो उसको काटने के बाद आपके हाथ में 73,000 रुपीज आते हैं, और ये 31% ज़्यादा है अगर आप उस पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रखते, यानी कि 43,000 आपको मिलते फिक्स डिपॉजिट पे और आपको 73,000 आफ्टर टैक्स मिल रहे हैं अश्योर्ड रिटर्न में डेवलपर के द्वारा। और डेवलपर यही नहीं रुकता, वो ये भी बोलता है कि आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन भी हर साल कम से कम 10% होगी, तो इस हिसाब से आपके कैपिटल अप्रिसिएशन में 10 लाख रुपए बनते हैं, और इसको अगर हम रेंटल रिटर्न से जोड़ लें
तो टोटल आपके बनते हैं 18,76,000 रुपीज। कंपेयर टू अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में यही 1 करोड़ डाला होता तो आपके बनते 5,04,000 रुपीज आफ्टर टैक्सेस। ये जाके मोर देन 3 times रिटर्न बनती है अगर आप एक अश्योर्ड रिटर्न प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते कंपेयर टू अ फिक्स डिपॉजिट। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये सारे इन्वेस्टर्स जो अश्योर्ड रिटर्न में खरीदते हैं मोस्टली जो पैसे उनने अपने बिस्तर के नीचे छुपाए हुए होते हैं वो पैसे इस प्रॉपर्टी में बहुत अच्छी तरह से लग जाते हैं। और यही नहीं, उन पैसे पे जो नो रिटर्न आ रही थी और एक्चुअली वो डेप्रिशिएट कर रहे थे इन्फ्लेशन की वजह से, वो भी अब आपको 20% रिटर्न देना शुरू कर देते हैं। और उस एक्साइटमेंट में अश्योर्ड रिटर्न प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छी तरह से बिक जाते हैं। पॉइंट नंबर टू, ये डेवलपर्स किन टाइप ऑफ लोगों को टारगेट करते हैं? नंबर वन, जो लोग रिटायर्ड होते हैं और जिनको या तो पेंशन मिल रही होती है या वो फिक्स डिपॉजिट की इनकम पे डिपेंड करते हैं। नंबर टू, जिन लोगों पे बहुत सारा कैश पड़ा होता है बिस्तर के नीचे, जैसे मैंने आपको बताया था, और उस पर कोई टैक्स नहीं पे हुआ होता। नंबर थ्री, जो लोग हाउसिंग फाइनेंस ले सकते हैं और उनको हाउसिंग फाइनेंस 8% पे मिलता है और उनको लगता है कि वो पैसा लेवरेज करके बैंक से 8% पे उठा के यहाँ पे 11% पे लगा के और उसके ऊपर कैपिटल अप्रिसिएशन भी कमा के रॉकस्टार बन जाएंगे और बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, और इस टाइप के लोग सबसे ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ बन जाते हैं। पॉइंट नंबर थ्री, इन्वेस्टर्स क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, टिपिकली 10-11% अश्योर्ड रिटर्न्स ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड कैपिटल अप्रिसिएशन ऑफ 8-10% अ ईयर। नाउ समझते हैं कि डेवलपर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो डेवलपर्स टिपिकली जब अश्योर्ड रिटर्न प्रोजेक्ट्स बेचते हैं तो वो तो 500% रिटर्न बनाते हैं ऐसे प्रोजेक्ट में, क्योंकि सबसे पहले तो वो आप ही का पैसा लेते हैं और आप ही को उसमें से थोड़ा थोड़ा करके बहुत कम रिटर्न करते हैं और उस पर प्रोजेक्ट भी बना लेते हैं और अपना बहुत सारा प्रॉफिट भी बना लेते हैं। अब फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इस अश्योर्ड रिटर्न प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझते हैं और उसमें क्या फ्लॉज हैं वो मैं आपको बताऊंगा। टिपिकली जहाँ पे 50 रुपये रेंट चल रही होती है कमर्शियल ऑफिसेस की, डेवलपर्स वहाँ पे आपको 100 रुपये की रेंट पे अश्योर्ड रिटर्न का प्रोजेक्ट बेचते हैं और ये बताते हैं कि आने वाले 3 सालों में डिमांड इतनी ज़्यादा होगी और रेंट्स इतनी बढ़ जाएंगी कि वहाँ बिल्डिंग में रेंट 100 रुपये हो ही जाएगी। फ्लॉ नंबर टू, क्योंकि डेवलपर ये बिल्डिंग बेच चुका होता है वो उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करता और ये बिल्डिंग्स टाटा कहलाती है क्योंकि इन बिल्डिंग में मल्टीपल ओनर्स होते हैं कंपेयर्ड टू डेवलपर्स हु डू नॉट सेल अ स्क्वायर फुट इन देयर बिल्डिंग विच आर राइट नेक्स्ट टू दिस प्रोजेक्ट एंड दे गेट अ मच बेटर रिटर्न बिकॉज दे इन्वेस्ट मोर बिकॉज दे आर नॉट सेलिंग दैट दे कीपिंग इट फॉर देमसेल्व्स एंड सेकेंडली टेनेंट्स लाइक टू बी इन बिल्डिंग्स दैट आर ओन्ड बाय सिंगल पार्टीज देन मल्टीपल पार्टीज। फ्लॉ नंबर थ्री, कि ये प्रोजेक्ट्स टिपिकली इस्टेब्लिश्ड एरियाज़ में नहीं डेवलप किए जाते, ये अपकमिंग एरियाज़ में ज़्यादा बिकते हैं और वहाँ पे डिमांड सप्लाई डायनामिक्स बहुत ही अलग होती है। एक तो कमर्शियल डिमांड उतनी ज़्यादा होती नहीं है और दूसरा कि जो रेंटल होती है वो टिपिकली आधे रेट पे होती है और मुश्किल से टेनेंट मिलता है और इसी की वजह से आपका सबसे ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। ना ही वो आपको टेनेंट दिला पाता है डेवलपर मोस्ट केसेस में और ना ही वो आपको वो रेंटल दिला पाता है जिससे आपको वो 10-11% रेंटल रिटर्न मिल सके। चलिए अब चलते हैं लीगल फ्लॉज की तरफ। सबसे बड़ा लीगल फ्लॉ ये है कि इस कंट्री में अश्योर्ड रिटर्न्स अलाउड ही नहीं हैं जो कि लीगल हों और वो सेबी के अंडर आते हैं और अंडर सेबी ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर आते हैं जो कि बैंड हैं। तभी सेबी के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें एक डिस्क्लेमर ज़रूर होता है कि इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इनटू एनी प्रोडक्ट एट देयर ओन रिस्क एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और अश्योर्ड रिटर्न्स आर एब्सोल्युटली ऑपोजिट ऑफ दैट बिकॉज दे आर अश्योर्ड सो दे कांट बी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और इन्वेस्टर रिस्क। लास्ट लीगल फ्लॉ, अगर डेवलपर आपके साथ डिफॉल्ट करता है तो आपके पास 3 रिकोर्स हैं। एक तो रेरा के पास जा सकते हैं आप और रेरा आपको बोलेगा मैं तो ये रिकग्नाइज नहीं करता और डेवलपर की
लायबिलिटी ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अशोर्ड रिटर्न को रेरा में रिपोर्ट करे, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है रेरा में। सेकंड, आप कोर्ट जाएं, और जैसे कि मैंने बहुत बार वीडियोस में बोला है कि कोर्ट जाएंगे तो आपको मिलेगी तारीख पे तारीख पे तारीख, 10 साल आपको लग जाएंगे डेवलपर के साथ लड़ते लड़ते, और जज भी आपको ये बोलेगा कि आप अशोर्ड रिटर्न पे कैसे प्रोडक्ट खरीद रहे थे, ये तो टिपिकली लीगल नहीं होता। थर्ड, आप सेबी के पास जा सकते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एक तरीके की है, और कोई भी डेवलपर अपना अशोर्ड रिटर्न प्रोजेक्ट सेबी के साथ नहीं रजिस्टर करता, और उसके बिल्कुल डिफरेंट रेगुलेशंस एंड लॉज होते हैं जो कि रियल एस्टेट पे यूजली अप्लाई नहीं करते हैं। तो आप तीनों रिकोर्सेस अपने यूज नहीं कर पाएंगे जो आपके फेवर में जाए। फाइनली, इसके बिजनेस फ्लॉज और लीगल फ्लॉज देख के आपको समझ में आएगा कि ये सबसे बड़ी पोंजी स्कीम है, ये सबसे बड़ा स्कैम है, और ये रियल एस्टेट जो बेस्ट एसेट क्लास है उसके चांद पे एक बहुत बड़ा दाग है, या वो ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली है रियल एस्टेट की। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि रियल एस्टेट में जो इन्वेस्ट करता है 9 out of 10 times वो बहुत सारे पैसे बना के जाता है, और उसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी वो होती हैं जब वो अशोर्ड रिटर्न प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। अब चलते हैं कि आपके पास कोई और अल्टरनेटिव है जहाँ पे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाए, 99% आपको रेगुलर रिटर्न मिल सके और कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिल सके। और जी हाँ, ये अब पॉसिबल है। लास्ट 3-4 years में रीट्स, जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती हैं, जो वर्ल्ड वाइड एक बहुत सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, वो इंडिया में भी आ चुका है, और आज 4 REITs इंडिया में स्टॉक मार्केट्स में लिस्टेड भी हैं, और उनमें आप निवेश करके रेगुलर रेंटल रिटर्न्स भी कमा सकते हैं, कैपिटल अप्रिसिएशन भी होती है उन प्रोजेक्ट्स की जो उनके शेयर प्राइसेस में दिखती है, और लास्टली आपके पास पूरी लिक्विडिटी होती है, जब भी आप उसमें एग्जिट करना चाहें आप एग्जिट कर सकते हैं, जो आपको अशोर्ड रिटर्न प्रोजेक्ट्स में नहीं मिलते। एंड लास्टली, कि अगर आपके पास कैश है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ना रीट में इन्वेस्ट कर सकते हैं ना FD में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए अगर आपको अशोर्ड रिटर्न प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको कम से कम ये तो बताता चलूं कि क्या वो चीज़ें आपको देखनी चाहिए बिफोर मेकिंग अ फूल ऑफ योरसेल्फ। अगर आप अशोर्ड रिटर्न के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ ये बातें ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नंबर वन, उस एरिया के सप्लाई डिमांड डायनामिक्स अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि वहाँ पे डिमांड कितनी है और कितनी बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई हैं। अगर वहाँ पे ज़्यादा बिल्डिंग्स लगभग खाली हैं तो आपकी प्रॉपर्टी किराए पे नहीं चढ़ने वाली। सो प्लीज़, डिमांड सप्लाई डायनामिक सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, कि वहाँ की एक्चुअल रेंटल रिटर्न्स पता कर लेना कि वहाँ पे क्या रेंट चल रही है और क्या डेवलपर आपको प्रॉमिस कर रहा है। अगर वो आज की रेंट से 20-30% भी ज़्यादा है तो प्लीज़ उस प्रोजेक्ट को अवॉइड करिएगा, या डेवलपर के साथ अच्छी तरह से निगोशिएट करिएगा कि वो आज की रेंटल पे आपको 11% या 12% रिटर्न ऑफर करे। लास्टली, आपको पोस्ट डेटेड चेक्स लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पोस्ट डेटेड चेक्स लेते हैं और वो चेक्स बाउंस हो जाते हैं तो वो एक इस कंट्री में क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, और डेवलपर को आपको डबल द पेनल्टी देनी पड़ सकती है जो चेक बाउंस हुआ है, या वो जेल भी जा सकता है, और आपके सिविल राइट्स भी मेंटेन रहते हैं। तो ये 3 बातों का आप ख्याल रखें और फिर अशोर्ड रिटर्न प्रोजेक्ट्स में निवेश करें तो एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत बचे रहेंगे। लास्टली, अशोर्ड रिटर्न प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके बहुत लोग बहुत पछताए हैं, और मोस्टली जो लोग रिटायर्ड थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी होप में कि वो अपने एंड डेज अच्छी तरह से इन्जॉय कर पाएंगे उस रेंटल रिटर्न को कमा के, और वो अब बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ऐसे YouTube में बहुत सारे वीडियोस भरे पड़े हैं। ऐसे कुछ लिंक्स मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। मेरे 30 साल के करियर में मैं आधा रियल एस्टेट एक्सपर्ट और आधा लॉयर अब तक बन चुका हूँ। तो आप अगर रियल एस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हैं, कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स मेक कर चुके हैं, तो आप प्लीज़ www.propequity.in पे लिखिए, और याद रखिए हमेशा
मैं हूं ना, हमसे जो बन सकेगा हम आपके लिए जरूर करेंगे। हम 44 सिटीज में हैं, 150,000 प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करते हैं और पिछले 16 साल से हमें रियल एस्टेट के बारे में जितना पता है उतना इस देश में शायद ही किसी को पता होगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फॉर यू फ्रॉम यू। दिस इज समीर साइनिंग ऑफ।